नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग होगी लेकिन 72 घंटे के लिए। आपके और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे और उनका एक्शन देखेंगे। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इसको जनरल तरीके से लीजिएगा और एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है। एट ऑफ कप्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। टू ऑफ वांड्स, किंग ऑफ वांड्स, अभी हम देखेंगे एरीज आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज यानी मेष राशि, अभी हम देखेंगे इन 72 घंटे में आपकी करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, द डेविल, बॉटम ऑफ द डेक में एम्परर का कार्ड। एरीज ये आपकी का कार्ड है। आपके जो पर्सन है पहले मैं उनके बारे में बोलूंगी फिर मैं आपके बारे में बोलूंगी। एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। आपके जो पर्सन है एरीज, आपके जो पर्सन है वो फिलहाल किसी डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनको यहाँ पर इस रिश्ते में इन 72 घंटे में लगेगा कि थोड़ी सी इमोशनल बैगेज दिखाई देगा उनको। उनको ऐसा लग सकता है कि सब कुछ है रिश्ते में, सिर्फ प्यार नहीं है और इस रिश्ते में मुझे प्यार चाहिए, प्यार के लिए मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन करना पड़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है कि उनके पास कोई और ऑप्शन हो तो वो उस ऑप्शन को और आप में दोनों में से डिसीजन लेने के बारे में थोड़ा इंडिसाइसिव हो सकते हैं इन 72 घंटे में। ऐसा भी हो सकता है कि उनके लिए आप जो हो ऑलवेज एट योर सर्विस इस तरीके का, तो वो आपको नहीं देख रहा है, किसी और के लिए आपको इग्नोर करके सिर्फ एक इमोशन के बहाना बना के वो रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हैं इन 72 घंटे में। साथ ही साथ अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए वो कुछ ऐसे आपको दिखाएंगे
कि वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी को लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो और इस रिश्ते में इतना करने के बाद भी उनको वो इमोशन नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए था, इसकी वजह से ये पर्सन रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं। इस तरीके का सोच उनका रहेगा इन 72 घंटे में। और आप जो हो, ऐसा नहीं कि आपके लाइफ में कुछ नहीं है प्यार के अलावा, ये वो, आप भी काम में बिजी हो, व्यस्त रहते हो, लेकिन आपको स्टेबिलिटी चाहिए रिश्ते में जो आपको नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा? किसी एक के पास तो और ऑप्शन ज़रूर है जिसकी वजह से इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की कमी है, जिनका भी एनर्जी है, और आपको जो मिल रहा है आप उसे इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि जितना आपको मिलना चाहिए आपको लगता है कि आपको उतना नहीं मिल रहा है। इसके वजह से आप दुखी हो, परेशान हो, आपको लगता है कि आप इस रिश्ते में एक एडिशन की वजह से जुड़े हुए हो, प्यार नहीं है, अपनापन नहीं है। तो आप किसी स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे, रिश्ते को स्टेबल बनाने के बारे में सोचोगे, आप एक स्टेबल ऑफर के बारे में सोचोगे, और आपको लगेगा कि इस रिश्ते में किसी और की वजह से जो आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। इस तरीके का सोच आपकी 72 घंटे की रहेगी। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन अगर 72 घंटे में कोई एक्शन लेता है तो वो क्या हो सकता है, 72 घंटे में उनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं कि 72 घंटे में उनका एक्शन क्या रहेगा, 72 घंटे में उनका एक्शन क्या रहेगा, देख लेते हैं 72 घंटे में उनका एक्शन क्या रहेगा, देख लेते हैं 72 घंटे में एरीज आपकी पर्सन की क्या एक्शन रह सकता है। आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैप्रिकॉन वर्गो हो सकता है, पाइसिस हो सकता है, 5 of cups, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है अभी आपके जो पर्सन है वो 72 घंटे में आपको इक्वलिटी टेक देने के बारे में सोचेंगे, वो रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोचेंगे, और जो भी उन्होंने मेहनत से कमाया है वो अपने परिवार में लाने के बारे में सोचेंगे। देखो, इस रिश्ते में 3 लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, मतलब थर्ड पार्टी है, ये तो दिखाई दे ही रहा है। डबल के कार्ड भी आ गए हैं, 6 of pentacles भी आए हैं, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम रीडिंग करते हुए देख मतलब समझ पाते हैं। तो थर्ड पार्टी इस रिश्ते में है, कोई एक है जो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, लेकिन और एक है जो इस आने को इग्नोर कर रहा है। या तो आप कर रहे हो कि आपके पर्सन आपके तरफ ना आए, या तो वो कर रहा है कि आप उनके तरफ ना जाओ, लेकिन कोई एक है जो रिश्ते को सही करना चाहेंगे इन 72 घंटे में, खास करके इक्वल गिव एंड टेक दे के, परिवार के साथ रह के, पैसे कमा के, पैसे की भरपाई करके, ये सारा चीज़ सोच के जो गलत था उस चीज़ को सोच के थोड़ा दुखी होने के साथ साथ, आपके पर्सन अगर मैं कहूँ उनके तरफ से ये कार्ड आया है तो वो परिवार को इक्वल गिव एंड टेक देना, रिश्ते में वापस आना, रिश्ते में सब कुछ सही करना, ये सारे चीज़ों के बारे में आपके पर्सन सोचेंगे और करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि इस रिश्ते से जब मूव ऑन जिसने भी किया था, जिस भी वजह से किया था, उस चीज़ को इग्नोर करके अभी परिवार के लिए रिश्ते में वापस आना चाहिए। या तो इन्होंने आपको पहले इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया था तो अभी देना चाहते हैं जो दूसरा रिश्ता था उसे इग्नोर करके, या तो आपने नहीं दिया था तो वो चाहते हैं कि आप उनको इक्वल गिव एंड टेक दे और रिश्ते में वापस करें, जो चीज़ें हुई थी, जो घटनाएं घटी थी उसे ख़त्म करके रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोचे। तो इस तरीके का पॉजिटिव सोच के साथ आपके पर्सन रिश्ते में आने के बारे में और रिश्ते को
एक कंप्लीट रिश्ता बनाने के बारे में जरूर सोचेंगे। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एरीज, देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जजमेंट, रिकॉन्सिलेशन होगा, क्योंकि कोई एक है जो रिश्ते में वापसी कर रहा है और कोई एक है जो उसको इग्नोर कर रहा है, क्योंकि हो सकता है उनको परेशानी मिला था। हायरोफंट, थ्री ऑफ सोर्ड्स, तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि जो आपका दिल टूटा था, जो आप परेशानी में थे, किसी और की वजह से अगर आपका रिश्ता खराब हुआ था, तो अभी आपको वो सारी चीज़ें भूलनी पड़ेगी, अपना दिल का ख्याल रखना पड़ेगा। मतलब कि डॉक्टर के पास चले जाए ऐसा नहीं, आपको ये सारा चीज़ भूलना पड़ेगा। और जो यूनिवर्स की ब्लेसिंग से हायरोफंट का कार्ड आया है, भगवान पर भरोसा करके आपको रिकॉन्सिलेशन अगर हो रहा है, कोई आपसे मिलने आ रहा है, बात करना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और रिश्ते को सही करना पड़ेगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कितनी जल्दी भूल पाओगे। जितना जल्दी आप उसको भूल सकोगे उतनी जल्दी रिश्ता सही हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।